गाइस वेलकम बैक टू आवर पेज। मैं रिधिमा आनंद अभी स्कूल से आई हूँ, थकी हारी। तमाम मित्रों कैसे हैं आप सब? और रोटेट कर लिया है फोन को हमने, तो लंच ऑर्डर किया है, हम घर पे खाना लेके जाएंगे आज। तो मैंने सोचा रिधिमा का थका हारा फेस आपको दिखा लेते हैं। और बाहर निकले थे, मौसम अच्छा हो गया, ना तो अब ठंड है ना गर्मी है, ये जो होता है ना प्लेजेंट वेदर जिसको बोला जाता है वो है। और कल के कार्यक्रम की थकान भी है। आज रिधिमा मैडम का ऑर्डर था कि लेने आया जाए और कुछ काम भी था, तो हम सब आए हुए हैं। हम सब में कुछ ही लोग हैं घर के, कुछ घर पर हैं और खाना बाहर से ही जाएगा। तो देखिए रिधिमा साथ में है, गाड़ी ड्राइव करनी थी, अभी पार्किंग में खड़े हैं हम लोग और ये बोली चलो लाइव हो जाते हैं। तो हमने कहा चलो जी ठीक है लाइव हो जाते हैं, क्योंकि लाइव भी अपने आप में एक कुछ सीखना और सिखाना होता है। और क्योंकि एक हमारी ऑनलाइन फैमिली है और वो आप हैं, और देखो वो तो सो गई। शिवान सिंह रघुवंशी जी आपको भी दिवाली और भैया दूज की बहुत बहुत बधाई हो। और देखो क्या होता है ना कि ये सोशल मीडिया जो है ना कितने लोगों को साथ में जोड़ दिया है इसने, है ना। खाली बैठे हैं तो लाइव हो जाओ, वीडियो बना लो, उसको अपलोड कर दो, ये अपने आप में ही एक कला है और कलात्मक है। और दिलों की दूरी जो है ना बहुत कम हो गई है, ऐसा लगता जा रहा है एक अलग परिवार होता है जहां पर हम अपना दुख और सुख शेयर कर लेते हैं। कल का जो हमारा कार्यक्रम था गांधी दर्शन में राजघाट पर, बहुत बहुत ही आप लोगों के स्नेह और प्यार से बहुत बढ़िया संपन्न हुआ। और विजय गोयल जी भी थे उसमें, माननीय विजय गोयल जी थे, और मन की बात भी वहां पे हुई थी। उसके बाद संतोष आनंद जी की प्रस्तुति थी, मजा आ गया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं आप सबसे एक ही बात कहना और पूछना चाहती हूँ कि क्या एक बात बोलिए कि क्या संतोष जी का लाइव, संतोष आनंद जी के पेज से लाइव स्टार्ट किया जाए? किस तरीके के प्रोग्राम इस पेज से हम लाइव करें? क्यूट रिधिमा नींद में है, हाँ जी बिल्कुल दीदी जी, आनंद सर जी की बहुत याद आती है, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। जी बिल्कुल, वो आपके ही है, मेरे तो पिता है, और आप जितना हमारा अधिकार है उससे ज्यादा उन पर आपका अधिकार है। अच्छा, तो मैं आप लोगों से यही जानना चाहती थी कि किस तरीके के, नमस्ते दीदी, छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत शुभ हो। मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि किस तरीके के कार्यक्रम अपने पेज चैनल पे ऑर्गेनाइज किए जाएं, आप प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए, आप सलाह दीजिए कि किस तरीके के कार्यक्रम हम इस पेज पर, डैडी के पेज पर करें, क्योंकि आप साथ देंगे ना तभी मैं कुछ कर सकती हूँ, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग सलाह दीजिए कि कैसे प्रोग्राम हम लोग करें, क्योंकि ये पेज आपका है, मेरा नहीं है, डैडी का पेज भी आपका है, ठीक है। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा होगा, और आप प्रश्न दीजिए, क्योंकि आप मुझसे बेहतर प्रश्न आप बनाएंगे उनके लिए, एक एक चीज पे उनसे, क्योंकि वो जितना बोलेंगे उनके अंदर की ऊर्जा बाहर आएगी, ठीक है। उनके अंदर अभी भी बहुत फायर है, उसको बस केवल क्या है, हमको स्टेबल करना है। तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रश्न भेजिए, आपके प्रश्न होंगे संतोष आनंद जी के जवाब होंगे, जल्दी जल्दी आप भेजिए, कमेंट बॉक्स में भेजिए, इनबॉक्स में भेजिए। थोड़ी मेहनत मेरी भी लगेगी, लेकिन मैं आपके साथ मेहनत करूंगी, मुझे लिखना थोड़ा पड़ेगा। और कैसे प्रोग्राम हम इस पेज पर लेके आए, ये आपका पेज है, देखो आपका पेज है, आपको करना है, हम सूत्रधार नहीं है, सूत्रधार आप होंगे, हम बैक स्टेज काम करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि किस तरीके से काम किया जाए, आप लोग प्लीज हमें बताइए। बिल्कुल संगीत में लाइव स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे, फिर बंद ना हो। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से मेरी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बीच बीच में अप डाउन चलते रहते हैं, लेकिन अब हम कुछ लोगों को साथ में लेके करेंगे जिससे ये प्रोग्राम सेट रहे। तो मैं फिर से एक ही चीज रिपीट करती हूँ कि श्री आनंद सर की कविताएं और गजलें सदा बहार गीत बहुत सुनता हूँ। जी बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से एक ही चीज को दोबारा से दोहरा रही हूँ कि आप लोग अपने प्रश्न भेजिए, ताकि हम डैडी को बैठा के उनसे उन प्रश्नों के उत्तर लें। और क्या होता है ना, वो एंगेज रहते हैं तो उन्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है, ठीक है। और आप लोग, हमारा यूट्यूब पे चैनल है, आप उस पे भी आप लोग प्लीज, मैंने मेहनत की है, आप लोग मेरे साथ हैं, तो प्लीज उस चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। शैली आनंद टॉकीज करके ही चैनल है,
तो आप कोई आइडियाज आपको देने हैं, करेंगे हम और मैं सबको साथ में लेके ही काम अब दोबारा से हम करेंगे। तो अभी क्योंकि अभी कार ड्राइव करनी है, इसको मैंने अभी स्कूल से लिया है, रिधिमा को स्कूल से लिया है, थकी हुई है बच्ची, खाने का ऑर्डर दे रखा है तो बस वो खाना आने वाला है, फिर हम घर जाएंगे। उसके बाद फिर से आज एक घर बैठे फोन पर समाधान हम कहते नहीं। अच्छा, ये बाबा जी अपना मैसेज कर रहे हैं। तो जी बस यही कहने वाली हूँ मैं आपसे, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से साथ रहिए और मैसेज करके ये बताइए कि संतोष जी से प्रश्न पूछिए, वो प्रश्नों के उत्तर, पता है प्रश्न आप अच्छे बनाएंगे, ठीक है ना। आप लोग प्रश्न बनाइए और हम उनसे पूछेंगे प्रश्न, और फिर लाइव भी संतोष आनंद जी को लेके आएंगे, और आप जैसे कलाकारों को भी उनके साथ, जैसे क्योंकि वो यूथ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बेहतर ये रहेगा कि आप डायरेक्ट उनके साथ जुड़ जाएं, और इसी तरीके से हम लोग रिधिमा की आवाज में पूर्वा सुहानी आई रे सुनना है, रिधिमा पूर्वा सुहानी आई रे हो जाए, पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा ऋतुओं की रानी आई रे, पूर्वा मेरे रुके नहीं पाओ नाच उठा सारा गांव, प्रीत पे जवानी छाई रे, प्रीत पे जवानी आई रे, सुहानी आई रे। बच्चा थक गया है, बच्चे में लेकिन एनर्जी बहुत है, और संतोष जी का ब्लड है डीएनए में, मम्मा का भी ब्लड है, मम्मा का भी ब्लड है, मेरा भी ब्लड है, तो हमारे तो खून में ही जी ये है, और बस ये पेज आपका है, और आप लोग प्रश्न भेजिए, आइडियाज दीजिए कि इस पे किस तरीके के कार्यक्रम बनाने चाहिए। फिर से मैं कहूंगी यूट्यूब पे हमारा चैनल है शैली आनंद टॉकीज, उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हेल्प कीजिए उसको बढ़ाने में, और हम मेहनत करते हैं, मेहनत हम करते हैं लेकिन साथ आप हैं हम तभी मेहनत करते हैं। अब प्लीज कुछ लोग ऐसे कमेंट लिख के भेजते हैं, प्लीज ये मत लिखिए, इंडियन आइडल से भी पहले संतोष आनंद जी का पेज था, इंडियन आइडल से भी पहले हमारा चैनल था, ये मत लिख के भेजिए कि हम कुछ कमाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हम बचपन से ही, वो मेरे पिता हैं, ठीक है, वो मेरे पिता हैं और हमारे लिए ये सब चीजें नहीं वो रखती हैं, ठीक है ना, ये सब ये शो ऑफ वगैरह हमने इन इससे बहुत ऊपर की एक जिंदगी जी रखी है, और अब भी हम एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कमाने के लिए उनको बैठाते हैं। सर ये कमेंट प्लीज मत कीजिए, केवल एक केवल और केवल आपसे जोड़ने का एक जरूर मेरा वो रहता है लक्ष्य कि संतोष आनंद जी डायरेक्ट आपसे, यूथ से जुड़े, आप लोगों से जुड़े, जो उन्होंने काम किया है वो घर घर तक वैसे तो पहुंचा हुआ ही है, लेकिन आप उनके साथ जुड़ते हैं उन्हें अच्छा लगता है, उनको और नई ऊर्जा मिलती है क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत एक संघर्ष का जीवन जिया है, आप लोग जुड़ते हैं तो उन्हें और अच्छा लगता है और उनमें जीने की ऊर्जा आती है। तो अभी ना मैं इस लाइव को यहीं पे खत्म करूंगी और आपसे यही कहूंगी कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, साथ में जो हैं आप लोगों के उनको हैप्पी रखिए, क्योंकि जिंदगी बहुत प्यारी है, उसमें बहुत रंग हैं, उनको केवल बटोर के अपने पास रखिए और केवल खुशियां बिखेरिए, क्योंकि देखिए सब कुछ मिल जाता है अपने और बड़े कभी नहीं मिलते, उनका आशीर्वाद लीजिए। और दो लाइनें सुनाई देते हैं भाई, कल मैंने प्रोग्राम में भी सुनाई थी, फिर आपको सुनाती हूँ, चुपके वही सुना दे। चलो जग को बोले ख्यालों में झूले, चलो जग को भूले ख्यालों में झूले, बाहरों में डोले सितारों छूले, आ तेरी मैं मांग सवारू तू दुल्हन बन जा, मांग से जो जो दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मित्रों। इसी तरीके से जुड़े रहिए, इसी तरीके से स्नेह बरकरार रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।